अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। आज शाम तक उन्हें ईडी की कस्टडी से मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री उस जेल में रहेंगे जिसमें पहले से कई खूंखार अपराधी कैद है। मलिक को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तेईस फरवरी को गिरफ्तार मंत्री नवाब मलिक की ईडी कस्टडी को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था। आज सोमवार को उनका मेडिकल करवाने के बाद उन्हें अदालत में फिर से पेश किया गया था। अदालत में मलिक की आगे की कस्टडी को लेकर तकरीबन 20 मिनट तक बहस हुई। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पक्ष रखा, जबकि मलिक की ओर से अमित देसाई और तारक सैयद ने पैरवी की है। अदालत में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग नहीं करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया, जिसे जज ने मान लिया। हालांकि इसके बावजूद मलिक के वकील तारक सैयद ने उनकी कस्टडी का विरोध करते हुए एक एप्लीकेशन मूव किया था। इससे पहले की सुनवाई में सरकारी वकील ने 1993 बम धमाकों से जुड़ा एक कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट अदालत के सामने रखा है, जिसके बाद मलिक की कस्टडी को बढ़ा दिया गया था। न्यायालय ने उनको 21 मार्च तक जेल कस्टडी दिया है। अभी उसके बाद में हमारे पार्टी के नेता और परिवार के लोग वकील के साथ में विचार विमर्श करके आगे क्या करने का उसके ऊपर सलाह मशवरा करके फैसला करेंगे। अभी बोलना जल्दबाजी होगी, जब तक जैसा जैसा मार्गदर्शन हमको हमारे नेताओं का और वकील का मिलेगा उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। वो जग जाहिर है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब नवाब मलिक आपके बीच आएंगे तो वो खुलासा खुद करेंगे। नवाब मलिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने जिस तरीके से पिछले 4 महीने से अपनी बात रखने का काम किया था और 23 तारीख को ईडी ने उनको विदाउट नोटिस जिस तरीके से उठाया, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, भारतवर्ष नहीं, सारी दुनिया जानती है। जब नवाब मलिक साहब आपके बीच में होंगे, बाकी का खुलासा वो खुद करेंगे। अभी हमारे वकील और हम परिवार का मेरा एक सदस्य वो भी वकील है, अभी अंदर है, कोर्ट रूम में है। वो आने के बाद में वो लोग खुद डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। ही तर राजनीतिक चाल आहे भाजप सरकारची। हे मोदी सरकारचं प्लॅनच आहे की जे महाराष्ट्रातून उभरतं नेतृत्व जे कोणी निघतंय त्याला याला ईडी मार्फत, एनसीबी मार्फत किंवा सीबीआय मार्फत त्यांच्यावर बोगस केसेस करून त्यांच्यावर अन्याय करून त्यांना मधी टाकायचं आणि स्वतःच्या पक्षाचा उदोदो करून घ्यायचा, हे जास्त दिवस चालणार नाही। कारण की आपल्या भारत देशामध्ये संविधान हा फार मजबूत आहे आणि या मजबूतीमुळं त्या सगळ्यांना न्याय मिळेल। नवाब मलिक साहेबांना तर बिलकुल न्याय मिळेल, कारण की संविधानमधले जेवढे पण संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांमुळं जेवढे न्यायाधीश झालेले आहेत ते खऱ्याचं खरं आणि खोट्याचं खोटं करून दाखवणार आहेत। हे आम्हाला निश्चितच संविधानावर भरोसा आहे आणि देवतावर भरोसा आहे आणि लवकरच मलिक साहेब न्याय मिळून ते बिलकुल बाहेर येतील, हे आम्हाला सर्व नवाब मलिकांचे जेवढे पण चाहते आहेत त्यांना न्याय मिळेल आणि नवाब मलिकांचा परिवाराला सुद्धा न्याय मिळेल। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।